वाराणसी में पीएम मोदी के समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंची हैदराबाद से बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता ने असाउद्दीन ओवैसी पर जमकर हमला बोला। ईटीवी भारत से खास बातचीत में माधवी लता ने कहा, यहां पर तो त्यौहार का माहौल लग रहा है, लोगों से मिलकर ऐसा लग रहा है कि भाजपा यहां पर ऐतिहासिक मतों से विजय हो गई है, इतिहास में अपना पन्ना खुद बना दिया है। माधवी ने कहा, लोगों में जिस तरह का जोश देखने को मिल रहा है, मतदान के दिन कैसा लोगों से उत्साह होगा और जीत के बाद लोगों में कैसा उत्साह होगा और जब 400 पार की शुरुआत बनारस से होगी तो लोगों में कितना उत्साह होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बता दें आपको, माधवी लता ने कहा कि हैदराबाद में तो चुनाव के दौरान जंग का माहौल था, वहां पर कांग्रेस और प्रदेश की सरकार ने मिलकर जो माहौल बनाया था उसको मैं क्या बताऊं, सारा देश जानता है। इस बार में हैदराबाद में सब कुछ हुआ है, धारा 144 लागू होने के बाद भी गुंडों को रोड पर छोड़ा है। माधवी लता ने आगे कहा कि गलत घरों में पोलिंग बूथ किया है, असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी के लोगों ने गुंडागर्दी की है, चुनाव में बूथों पर गुंडों को रखा, ये हैदराबाद की जनता ने देखा है, 4 जून का इंतजार कर रहे हैं, उस दिन भाग्य से लगा हुआ भाग्य नगर बन जाएगा। बता दें आपको, माधवी लता ने असाउद्दीन ओवैसी पर हमला करते हुए कहा कि किस तरह वहां के लोगों के साथ व्यवहार किया गया है, जाति और धर्म के नाम पर हमारे मोदी भाई तो लोगों के संरक्षण करने वाले ईसाई जैसे हैं, हिटलर कौन है, असाउद्दीन ओवैसी पहले अपनी लोकसभा में जाएं और ये देखें कि लोग कैसे दलदल में फंसे हैं, लोगों को खाने पीने को नहीं है, लोग छत को तरस रहे हैं, वह स्वयं हिटलर हैं, वह ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं, बौखला गए हैं, जो मुँह में आया वह बोल रहे हैं, 4 जून के बाद भारत का अगला कदम विश्व गुरु बनने के लिए होगा। ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।